सबसे पहले हम आपको खबरदार मध्य प्रदेश की उस खबर से ही करेंगे जिस तस्वीर ने सबको बहुत परेशान किया था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के सीधी में एक आदिवासी युवक के ऊपर एक बीजेपी विधायक के जन प्रतिनिधि ने पेशाब किया था। हालांकि एक वो दिन था जिसके बाद हर ओर से शोर उठा, हर ओर से आवाज उठी और अब आखिरकार मुख्यमंत्री के घर पर उस युवक को बुलाकर, उस आदिवासी युवक को बुलाकर उसका सम्मान भी किया गया। आदिवासी युवक दशमत रावत का हाथ पकड़कर अपने आवास में मुख्यमंत्री भीतर लाते हैं। देश में मंदिरों को बनवाने और समाज सेवा के लिए पहचान रखने वाली अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के सामने लगी दो कुर्सी में से एक पर बैठाया। सामने रखी चौकी अपने बैठने के लिए मुख्यमंत्री ने खींची। बैठने से पहले अपने जूते पहले शिवराज सिंह चौहान ने उतारे, फिर आदिवासी युवक दशमत रावत के पैरों के सामने चौकी खींची। सामने से अधिकारी थाल लेकर आए। दशमत रावत पैर आगे बढ़ाने में हिचकिचाने लगे, हाथ जोड़ने लगे। मुख्यमंत्री ने कंधे पर हाथ रख कर कहा, दशमत भाई आज आपको मेरे लिए चरण अपने आगे करने हैं। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में फिर जो कुछ हुआ वो आज, कल और वर्षों तक हमेशा याद रखा जाएगा। आदिवासी दशमत रावत ने पैरों की चप्पल उतारी, पैंट की मोहरी को ऊपर किया, फिर अधिकारी से हाथ में पानी का जग लेकर पीतल की थाली में मध्य प्रदेश के सीधी के आदिवासी युवक दशमत रावत का पैर आगे करके मुख्यमंत्री ने चरण धोने शुरू किए। पहले दाहिना पैर धोला, फिर थाली में अपने हाथ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह उस आदिवासी युवक के बाएं पैर को पखारना शुरू करते हैं, जिसके सम्मान स्वाभिमान सबको धूल धूसरित करने वाला वीडियो दो दिन पहले वायरल हुआ। इसीलिए दोनों पैर दशमत रावत के धोने के बाद माथे पर उस जल को लगा लिया जिससे पैर धोए। पैर धोने के बाद फिर एक थाली आई, शिवराज सिंह चौहान ने अब रोली दशमत रावत के माथे पर लगाई, अक्षत लगाया, फिर माला पहनाई। शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। श्रीफल यानी नारियल देकर बताया कि वो दशमत रावत को ईश्वर की तरह पूज रहे हैं। फिर हर इंसान में भगवान मानने की बात थोड़ी देर बाद कहने वाले मुख्यमंत्री ने आदिवासी युवक के हाथों में गणेश जी की प्रतिमा दी, फिर वस्त्र भेंट किए अपने हाथ से, फिर आखिर में मिठाई खिलाई और फिर पूछा राशन मिलता है कि नहीं, घर कैसे चलता है, क्या करते हो। इसके बाद किसी मुख्यमंत्री को किसी आम आदमी से अपने आवास पर बुलाकर माफी मंगवाने का ये दृश्य देखना है आपको तो शायद कभी किसी सीएम आवास में नहीं दिखा होगा। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के कि मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे, गरीब भगवान जैसे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मंगलवार को वीडियो वायरल हुआ जिसमें सीधी जिले में आदिवासी दशमत रावत पर सीधी के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ल का जनप्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला पेशाब करता दिखा, जिसके बाद से मुख्यमंत्री लगातार घिनौनी हरकत करने वाले प्रवेश शुक्ला पर गुस्सा जताते रहे। तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए, गिरफ्तारी कराई, NSA लगवाया, आरोपी के पिता का घर बुलडोजर से गिरवाया, अब जाकर माथे पर आदिवासी युवक के पैर धोकर वो जल लगाया। एक सवाल के साथ कहानी को अब आगे देखेंगे, क्या राजनीति में सब कुछ इतना अच्छा अच्छा होने लगा है और क्या सियासत वाकई इतनी सीधी होती है जो सीधी से भोपाल तक नजर आई है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।